लॉकडाउन दौरान भारत विच फसे 82 पाकिस्तान नागरिक अज पाकिस्तान लई रवाना हो रहे हैं अते पाकिस्तान तो भी अज 114 भारतीय नागरिक अटारी बागा सरहद राही भारत पहुंचणगे। ए जानकारी पुलिस अधिकारी अरुण पाल वल्लों दित्ती गई है। ईएसआई अरुण पाल सिंह, मैं बागा बॉर्डर ते प्रोटोकॉल पोस्टेड हां जी। हां जी सर, अज जिहड़े पाकिस्तान जा रहे किन्ने जणे जा रहे ते किन्ने आ? कोविड-19 दे चलदे जी, अब तो करीब 4-5 महीने पहले पाकिस्तान दे जिहड़े व्यक्ति भारत च आए सन अते भारत दे जो व्यक्ति पाकिस्तान में अपने फंक्शन ब्याह शादियां या किसी होर काम कार दे संबंध गए से नूं फस गए सीगे। भारत अते पाकिस्तान ने बड़ा वधिया सांझा उपराला कीता, इन्हां नूं 2-3 बार अलग अलग डेटा दे नाल इन्हां नूं वापस जाण बारे कहा गया सीगा, जो चले गए। फिर भी कुछ परसन रह गए जिन्हां नूं अज दोबारा इन्हां दी लिस्टां तैयार कर इन्हां नूं कीता गया भी तुसीं अपने अपने देश वापस आ सकते हो। जिहदे तहत भारत तो पाकिस्तान 114 बंदे ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 82 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਅਮਸ਼ੀਰੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ जो आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान जा रहे हैं। थैंक यू सर। मुरसलीन है। कहाँ से आए आप? मैं पाकिस्तान कराची से आया हूँ। इधर कहाँ पे आए थे आप? मैं यहाँ कानपुर में आया था। किस काम के लिए? मैं अपने मामू की शादी के अटेंड करने आया था। तो कैसे रुके, कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ पे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। बाकी मैं कोरोना की वजह से आप लोगों सारे सबको मालूम है पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना है, इस वजह से फिर मैं जा नहीं पाया। तो अभी मेरे एम्बेसी से कांटेक्ट में था, उसके बाद एम्बेसी वालों ने कहा जब परमिशन मिलेगी फिर जाएंगे, तो अब परमिशन मिली, अब आ गए यहाँ। कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं? दिक्कत नहीं हुई अभी, नहीं फिलहाल तो दिक्कत नहीं हुई। बाकी अभी खड़े हैं जाने के लिए इंतज़ार में। आज अपने घर जा रहे हैं, वापस वतन जा रहे हैं, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम राबिया शहबाज है। कहाँ से और कहाँ पे जा रही हैं? जी मैं रहने वाली तो इंडिया की थी, शादी मेरी पाकिस्तान में हुई है, क्योंकि मैं 7 मार्च को यहाँ आई थी और मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो लॉकडाउन की वजह से मैं फंस गई और किस मुश्किल दौर से गुजरी हूँ ये आप गवर्नमेंट क्या कोई नहीं समझ सकता। और देखिए हम लोग यहाँ आए हैं, 5 महीने फंसे हुए थे और ये गाड़ियाँ कर करके आए हैं, आपको नहीं पता 30-40 हज़ार रुपये लग गए। गरीब बंदा किस तरह से अफोर्ड किया होगा ये कोई नहीं समझ सकता, ये हम लोग समझ सकते हैं सिर्फ। और गवर्नमेंट आज मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया ते कोरोना महामारी का असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वेब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वेब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज। हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तब पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहों तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।